और आज नौसेना की ताकत बढ़ गई। एलएनटी निर्मित ऑफशोर निगरानी पोत आईसीजीएस विग्रह भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय तटरक्षक बल के निगरानी पोत विग्रह को सेवा में शामिल करने के लिए चेन्नई में आयोजित समारोह में शिरकत करने पहुंचे। ये पोत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित होगा, जहां ये तटरक्षक क्षेत्र कमांडर के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा। पूर्वी समुद्र सीमा में ये काम करेगा। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया भर में इस समय जो बदलाव देखने को मिल रहा है, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। दुनिया भर के मौजूद अनिश्चितता और उठा पटक के माहौल में हमें और सतर्क रहने और अतिरिक्त निगरानी रखने की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि साथ ही चुनौतियों से भरा हुआ समय है। ये समय हमें कई अवसर भी प्रदान करता है, जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए। ग्लोबल सुरक्षा, बॉर्डर विवाद और सामुद्रिक प्रभुत्व की इस होड़ में दुनिया भर के देश आज अपनी सैन्य ताकत को मॉडर्न और नई तकनीकों से मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस समारोह में राजनाथ सिंह के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम एम नरवणे और भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल के नटराजन के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि विग्रह पोत के आने से भारतीय नौसेना और भी ज्यादा मजबूत हुई है। ये पोत तकरीबन 98 मीटर लंबा है। इस पर 11 अधिकारी और 110 अन्य कर्मी काम कर सकते हैं। इसका निर्माण लॉर्सन एंड टूर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने किया है। विग्रह के शामिल होने के बाद तटरक्षक बल में 157 पोत और 66 विमान अब कुल हो गए हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।